गोहाना पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और गोहाना पहुंच चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। आपको बता दें कि दिया परिवर्तन रैली का इन्होंने न्योता है। तो गोहाना पहुंच चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा और परिवर्तन रैली का इन्होंने न्योता दिया है। प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन के लिए रैली है, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। लगातार इस रैली को लेकर कई बार बयानबाजी का दौर चल रहा था। दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं, परिवर्तन रैली को लेकर इन्होंने न्योता दिया है और सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो गोहाना पहुंचे हैं दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी सरकार को यहां पर घेरा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अरुण कुमार, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, क्या कुछ अपडेट? दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो प्रस्तावित रैली है 18 तारीख को, परिवर्तन रैली, उसका न्योता देने के लिए बरोदा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है श्री कृष्ण हुड्डा, उनके निवास स्थान पर जो है वो पहुंचे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और यहाँ पर उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि परिवर्तन रैली जो है वो निश्चित तौर पर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन को लेकर की जा रही है और इस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे और ये महारैली के रूप में आयोजित की जाएगी। जी बिल्कुल, न्योता देने पहुंचे यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है गोहाना में? जी बिल्कुल, बरोदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज जो सभा यहाँ पे आयोजित की गई थी, जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें भी काफी संख्या में जो है वो कार्यकर्ता मौजूद थे। उसको देखते हुए लगता है कि स्थिति काफी मजबूत जो है वो यहाँ से रहने वाली है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने जो है हरियाणा को पीछे धकेल दिया है। जो हरियाणा खेलों में नंबर वन होता था, कृषि में नंबर वन होता था, आज वो हरियाणा बिल्कुल पिछड़ चुका है और ग्रोथ रेट जो है हरियाणा की सबसे निम्न स्तर पर जो है वो आज है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण संवाददाता जानकारी दे रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग भी, समर्थक यहां पर मौजूद थे। बीजेपी सरकार को यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घेरने की कोशिश की।